Sun.com के खास न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि 500 टीमें करेगी इंदौर को कोरोना मुक्त, 20 लाख से अधिक लोगों की होगी स्क्रीनिंग, दिल्ली भेजेगा अधिकांश टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कल मेडिकल कॉलेज में जांच किए गए नमूनों में से 85 पॉजिटिव मिले, अब धीरे धीरे ये संख्या भी घटेगी और अब प्रशासन ने इंदौर को कोरोना मुक्त बनाने की जंग शुरू की है, इसके चलते अभी तक 6,60,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, वहीं आने वाले कुछ दिनों में 22 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी, जिसमें कंटेनमेंट एरिया और उसके आसपास के क्षेत्र को पहले शामिल किया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक 500 टीमें इसके लिए गठित कर दी गई हैं, वहीं 500 ग्रामीण रोजगार सहायकों की भी ड्यूटी सर्व कार्य के लिए लगाई जा रही है। 3 दिनों में ही 550 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इंदौर चर्चा में आ गया था, हालांकि इसके कारण ये रहा है कि 15 दिन के पेंडिंग पड़े 1142 नमूनों की एक साथ जांच दिल्ली में कराई गई है। वैसे अभी 100 से 150 नमूने से बचे हैं जो सभी हाई रिस्क मरीज थे, इसी चलते इतनी संख्या में पॉजिटिव आए। अब संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी और कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि धीरे धीरे इंदौर का भी ग्राफ चढ़ेगा, अब शासन प्रशासन ने इंदौर को कोरोना मुक्त बनाने की जंग शुरू कर दी है। निगम 85 वार्ड में करवा रहा है सैनिटाइजेशन, नगर निगम भी लगातार सैनिटाइजेशन के कार्य में जुटा हुआ है। कल भी टाटपट्टी भाकर जवाहर मार्ग सरवटे बस स्टैंड तक सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया है और इसमें ड्रोन की सहायता भी ली गई। निगम आयुक्त आशीष सिंह का कहना है कि अभी पहले कंटेनमेंट एरिया में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और फिर सभी 85 वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।